देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के मास महाराजा और सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार अंदाज में रिलीज कर दिया गया है। और आज दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग भी धमाकेदार अंदाज में ही ले ली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। इस फिल्म को कितने स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, इस फिल्म का एडवांस कलेक्शन कितना हो चुका है, और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने कौन कौन सी फिल्मों के आज रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार अजय देवगन सर के डाहट फैंस हैं और आलिया भट्ट की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, संजय लीला भंसाली जैसे बेहतरीन डायरेक्टर के डायरेक्शन में बनने वाली एक ड्रामा फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि मुंबई की माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म में दोस्तों लीड करते हुए आपको आलिया भट्ट नजर आने वाली है और उनका कैरेक्टर इस फिल्म में उनके कैरियर का अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट कैरेक्टर है। उन्होंने दोस्तों इस कैरेक्टर में जान डाल दी है और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनसे बेस्ट एक्ट्रेस फिलहाल में इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड में कोई नहीं। बताते चले दोस्तों आपको कि इसी के साथ इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर रहीम लाला के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं और उनका कैरेक्टर भी दोस्तों इस फिल्म की जान है और सिर्फ 8 से 10 मिनट के रोल में ही दोस्तों वो लाइमलाइट हासिल कर लेते हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इसी के अलावा इस फिल्म में आपको विजय राज और शांतनु महेश्वरी भी नजर आएंगे। दोस्तों काफी ग्रैंड सेट्स पर बनाई जा रही गंगूबाई काठियावाड़ी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म को लगभग 3.5 करोड़ रुपए की शानदार एडवांस मिल चुकी थी। इस फिल्म को लेकर दोस्तों मुंबई, गुजरात और सेंट्रल एमपी में काफी अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज मॉर्निंग से ही 20% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, जो कि एक तरह से किसी भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए काफी बड़ी ओपनिंग है। वही दोस्तों इस फिल्म को रिव्यूज भी ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार मिल रहे हैं। क्रिटिक्स ने भी दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग दी है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आफ्टरनून में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और शाम के दोस्तों इस फिल्म के ज्यादातर शो मुंबई और गुजरात में हाउसफुल चल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 10 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग लेने जा रही है, जो कि एक तरह से फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए काफी बड़ी ओपनिंग है। और इसी के साथ दोस्तों आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत जैसी कई सारी बड़ी एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ते हुए इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस बनने जा रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 60 से ज्यादा करोड़ की कमाई करनी होगी। अपने पहले दिन दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिली है और जिस तरह के धमाकेदार रिव्यूज इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिल रहे हैं, उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो और 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाएगी और आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस फिल्म से जुड़े सभी बड़ी बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय